यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, दल एसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, के महत्वपूर्ण घटक केंद्रीय मंत्री श्री रामदास अठावले जी, प्रदेश सरकार के मंत्री और निषाद राज पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, अपना दल एस के सभी पदाधिकारीगण और प्रदेश के कोने कोने से आए हुए अपना दल एस के सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों और बहनों, देश के लोकप्रिय और यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर आदरणीय गृह मंत्री जी का, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज का यह समारोह सामाजिक न्याय के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, ऐसा काई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की 74वीं जन्म जयंती का समारोह है। आप कल्पना करिए, आज से 25 वर्ष 30 वर्ष पहले इन मुद्दों को लेकर के डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने संघर्ष किया था, जिसके लिए उन्होंने जीवन जिया था, उसका आज साकार रूप पिछले 9 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको देखने को मिल रहा है। सामाजिक न्याय का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है, जो नारा 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को दिया था, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही वास्तविक सामाजिक न्याय है। शासन की योजना में जाति मत और मजहब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले और सबको समान रूप से सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण पूरे देश के अंदर मिले, और ये पिछले 9 वर्ष के अंदर पूरे देश ने महसूस किया है। इसको नारों में नहीं, हकीकत में जमीनी धरातल पर उन सभी योजनाओं का लाभ लेते हुए देश के कोटि कोटि लोगों के जीवन में हुआ परिवर्तन, यही सामाजिक न्याय की वास्तविक हकीकत आज देश के अंदर देखने को मिल रही है। और इसी वास्तविक हकीकत का परिणाम है कि आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी जाती है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों का झंडा मजबूती के साथ गढ़ता हुआ दिखाई देता है। लोग पूरे विश्वास के साथ एनडीए के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में पूरा विश्वास करते हुए देश के अंदर एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। उस नए भारत के बारे में जो सपना देखा था, जो संघर्ष किया था, डॉक्टर सोनेलाल जी जैसे महापुरुषों का जो योगदान है, उसके प्रति ही कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए याद करिए, 2021 में, अक्टूबर 2021 में प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की सौगात उत्तर प्रदेशवासियों को दी थी, प्रतापगढ़ का जो
जो राजकीय मेडिकल कॉलेज है उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम पर किया गया। सामाजिक न्याय की यही वास्तविकता है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में जनजातीय समूहों के बीच में थे और बांदा मेडिकल कॉलेज का नामकरण महारानी दुर्गावती के नाम पर, गौड़ जनजाति के लोगों की जो आराध्य देवी है उनके नाम पर वहां के मेडिकल कॉलेज का नामकरण होता है। ये नया भारत है। इस नए भारत में देश के अंदर सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण आज हम सबको देखने को मिल रहा है, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश के अंदर एक बेहतर वातावरण बना है, कश्मीर आज विकास की मुख्य धारा में, लोकतंत्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है। कश्मीर के अंदर एक बार फिर से बाबा बर्फानी की यात्रा सावन मास के लिए जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, यह भारत के अंदर आंतरिक सुरक्षा की सुदृढ़ स्थिति को बताता है। नक्सलवाद 2014 के पहले देश के अंदर तेजी के साथ फैलता हुआ लगभग 125 जनपदों तक फैल चुका था, आज सिमटते मात्र 3-4 जनपदों तक सीमित रह गया है। और कोई कारण नहीं, 2024 के पहले नक्सलवाद की अंतिम ताबूत पर भी कील ठोक करके पूरे भारत को नक्सल मुक्त, अलगाव मुक्त, उग्रवाद से मुक्त करके 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने, इसके लिए एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी और सभी सहयोगी दलों को मिलकर के एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के उस अभियान के साथ जुड़ना है जो आज हम सबको देखने को मिल रहा है। चाहे वह गरीबों के लिए मकान हो, गरीबों के लिए शौचालय हो, गरीबों के लिए राशन की सुविधा हो, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा हो, या तमाम लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन सब का वास्तविक रूप यही सामाजिक न्याय की वास्तविक हक लड़ाई है। और इस लड़ाई को आज वास्तविक धरातल पर पहुंचा करके गरीब के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का जो कार्य हुआ है, इन सभी कार्यक्रमों के लिए मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को उनकी 74वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबसे मेरा यही आग्रह होगा कि अपने नेता के स्मृतियों को बनाए रखने के लिए सामाजिक न्याय की वास्तविक लड़ाई के साथ सम विषम परिस्थितियों में खड़े होकर के हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए आप सभी कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं देख रहा था बारिश, मूसलाधार बारिश पड़ रही थी और तब भी यहां पर आप सभी अपना दल के कार्यकर्ता मौसम की विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने नेता के सम्मान के साथ, पूरी मजबूती के साथ खड़े रहे, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, अभी आप परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहे थे। अब जिनका आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार के इस मंच पर आगमन पर मैं दो लाइन कहना चाहता हूं। ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं, उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच आए हैं। इसी के साथ एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत, आपको सादर आमंत्रित करते हैं कि आकर अपने विचार प्रकट करें ताकि हमारे श्रोताओं की आतुरता को कुछ विश्राम मिले। एक बार जोर मेरे साथ सभी लोग भारत माता की जय।